गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, SNKP गवर्नमेंट कॉलेज की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम BA तृतीय वर्ष के पेपर सेकंड भारत में समाज में जो अपना का टॉपिक है मिताक्षरा व दाएं भाग संयुक्त परिवार, इनके बारे में आज हम देखेंगे। पिछली कक्षा में हमने संयुक्त परिवार की परिभाषा, उसकी विशेषताएँ वगैरह देखी, तो अभी इसमें हम मिताक्षरा और दाएं भाग संयुक्त परिवार देखेंगे। तो ये क्या है कि संपत्ति के आधार पर हिंदू संयुक्त परिवारों का एक वर्गीकरण है, मिताक्षरा और दाएं भाग संयुक्त परिवार। तो मिताक्षरा जो संयुक्त परिवार है वो आसाम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर के समस्त भारत में पाए जाते हैं, और जो दाएं भाग संयुक्त परिवार हैं वो सिर्फ उसमें पश्चिम बंगाल और आसाम में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनमें इनकी परिभाषा देने की बजाय ये अंतर के रूप में ज़्यादा इसमें ये आता है, तो इसको हम दो तरह इसको यू डिवाइड कर लेंगे हम लोग। तो पहला तो हो जाएगा मिताक्षरा, और ये दूसरा हो गया इसमें दाएं भाग। तो मिताक्षरा ये क्या कहेंगे, आसाम और पश्चिमी बंगाल को छोड़कर, कहाँ कहाँ मिलेंगे, बंगाल और आसाम को छोड़कर संपूर्ण भारत में। तो इसमें पहला टॉपिक इसका जो क्या होगा, क्षेत्र होगा, इसमें एक पहला वर्गीकरण इसको हम ले लेंगे कि ये आसाम व संपूर्ण भारत में, असम व बंगाल को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में ये परिवार पाए जाते हैं, छोड़कर संपूर्ण भारत में। संपूर्ण भारत में ये परिवार पाए जाते हैं, और ये वाले इसमें दाएं भाग में क्या लिखेंगे हम लोग, हिसाब ये असम और बंगाल में ही पाए जाते हैं ये परिवार, असम व बंगाल में। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो दाएं भाग जो परिवार है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो कई बार पूर्वोत्तर भारत भी वो लोग कह देते हैं, तो पूर्वोत्तर भारत के लिए भी हम लोग, क्योंकि आसाम और बंगाल है वो पूर्वोत्तर भारत में है, तो पूर्वोत्तर भारत में हम लोग इसमें कह सकते हैं। और जो मिताक्षरा है वो संपूर्ण भारत में पाया जाता है। अब ये क्या है, एक एक लेख है मिताक्षरा टी का, विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। तो मिताक्षरा परिवार के बारे में किससे विद्वान ने लिखा है, विज्ञानेश्वर ने, किसने, विज्ञानेश्वर ने एक टीका लिखी थी, उसके आधार पर ये मिताक्षरा संयुक्त परिवार पसलिताए या इनके बारे में इसमें लिखा गया, विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने जो टीका लिखी थी उसके आधार पर मिताक्षरा संयुक्त परिवार प्रचलित है, या इसके नियमों के बारे में विज्ञानेश्वर ने, विज्ञानेश्वर की टीका के आधार पे है। और अपना जो दाएं भाग संयुक्त परिवार है जो कि आसाम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, इसकी टीका लिखी थी जीमूतवाहन ने, इसने जीमूतवाहन जीमूतवाहन ठीक है। तो अभी तक तो हमने इसके नाम और ये कहाँ प्रचलित हैं उसके बारे में, तीसरी जो इसकी जो महत्वपूर्ण जो विशेषता वो आती है इन परिवारों में जो अंतर करने की, वो संपत्ति की बात आती है। इस मिताक्षरा में तो क्या होता है कि पिता के जीवित होते भी पुत्र को संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है, या पुत्र को जन्म लेने के बाद ही या जन्म से ही पिता की संपत्ति में अधिकार इसमें प्राप्त होता है। तो लेकिन पुत्र को
जन्म से ही पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है। पुत्र को जन्म से ही पिता की संपत्ति में अधिकार, पिता की संपत्ति में अधिकार पुत्र को मिलता है, पिता की संपत्ति में अधिकार पुत्र को मिलता है, संपत्ति में अधिकार। इसका यूं भी माना जा सकता है कि पिता के जीवित रहते हुए भी पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकारी मान लिया जाता है, या पुत्र को जन्म लेने के साथ ही पिता की संपत्ति में अधिकार होता है। और जीमूत वाहन में क्या है, इसमें पुत्र को संपत्ति में अधिकार पिता के मरने के बाद ही मिलता है, तो पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को संपत्ति में अधिकार मिलता है। तो लिखेंगे पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को संपत्ति में अधिकार मिलता है। पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को संपत्ति में अधिकार मिलता है। तो इसमें जो मोटी मोटी बात थी इसमें आ गई कि मिताक्षरा, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मिताक्षरा और दाय भाव क्या है, तो अपने ये कहेंगे कि साहब ये संपत्ति के आधार पर जो भारतीय संयुक्त परिवार है उनका वर्गीकरण है। मिताक्षरा जो परिवार हैं वो असम व बंगाल को छोड़ करके, आजकल बंगाल की बजाय पश्चिमी बंगाल लिखना ज़्यादा उपयुक्त उसमें होगा, और तो असम व पश्चिम बंगाल को छोड़कर या असम या बंगाल को छोड़ के संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं, और दाय भाग परिवार असम व बंगाल में पाए जाते हैं। दूसरा इसमें आप लिखेंगे कि जो मिताक्षरा परिवार है वो मिताक्षरा टीका जो कि विज्ञानेश्वर ने लिखी है, यह विज्ञानेश्वर की टीका मिताक्षरा के आधार पे संयुक्त परिवार का वर्णन किया गया है। और दाय भाग संयुक्त परिवारों का जो वर्णन है वो जीमूत वाहन की टीका के आधार पर इसमें ये वर्णन है। अब बेसिक इसमें संपत्ति में इसमें अधिकार क्या है कि मिताक्षरा जो संयुक्त परिवार हैं उसमें पुत्र को जन्म से ही पिता की संपत्ति में अधिकार मिला होता है। और जीमूत वाहन में क्या है कि पिता के जीवित रहते पुत्र को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है, या इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति में अधिकार मिलता है। चौथी इसकी विशेषता यह है कि मिताक्षरा संयुक्त परिवारों में पुत्री को संपत्ति में कोई भी हिस्सा नहीं मिलता है, और जीमूत वाहन में पुत्री को भी पुत्रों के समान ही संपत्ति का अधिकार इसमें मिलता है। तो इसमें चौथा इसमें हम लोग अंतर लिखेंगे कि पुत्री को भी संपत्ति में अधिकार मिलता है, पुत्री को संपत्ति में अधिकार इसमें नहीं मिलता, मिताक्षरा में नहीं मिलता, को संपत्ति में अधिकार नहीं, और इसमें पुत्री को भी संपत्ति में पुत्र के समान ही उत्तराधिकारी माना जाता है। किसमें माना जाता है, दाय भाग संयुक्त परिवार में। तो ये जो मोटा मोटा जो वर्णन है या उसमें दाय भाग मिताक्षरा और दाय भाग संयुक्त परिवारों के बारे में है, एक बार इसको हम देख लेते हैं। मिताक्षरा संयुक्त परिवार विज्ञानेश्वर द्वारा लिखित मिताक्षरा टीका नामक पुस्तक में उल्लेखित है। ये बंगाल और असम को छोड़ के संपूर्ण भारत में मिताक्षरा संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। पहले मिताक्षरा संयुक्त परिवार के बारे में विशेषता बताएंगे, फिर आपको दाय भाग की बता देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसमें
मिताक्षरा जो परिवार है इसमें पुत्र को जन्म से ही पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है और स्त्रियों को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता है। मिताक्षरा की बात कर रहे हैं हम लोग। तीसरा इसमें है, मिताक्षरा संयुक्त परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर यदि उसके कोई पुत्र पोत्र या परपोत्र नहीं है तो उसकी संपत्ति उसके भाई आपस में बांट लेते हैं, लेकिन स्त्री को या पुत्री को कोई संपत्ति नहीं मिलती है। इसको यहां देखें कि मिताक्षरा में एक विशेषता यह भी है, यदि किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं है या कोई पोत्र नहीं है तो उसकी पुत्री को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है, उसके भाई मिलकर के सारी संपत्ति इसमें बांट लेते हैं। अगली इसकी विशेषता है, पुत्र पिता के जीवित रहते भी कभी भी अपने हिस्से की मांग कर सकते हैं। तो आपको जैसे पहले बताया गया था कि पुत्र को जन्म के साथ ही संपत्ति में अधिकार मिल जाता है, तो पिता के जीवित रहते हुए भी अपनी संपत्ति में अधिकार इसमें मांग लेता है। तो इस प्रकार से संपत्ति के ऊपर पिता का अधिकार क्या है वो सीमित होता है। वह विशेष ऋणों व धार्मिक कार्यों के लिए संयुक्त संपत्ति को बेच सकता है, किंतु दूसरे साझेदार को अपने साझेदारों को पूछे बिना संपत्ति को विनियोग या बेच नहीं सकता है। तो ये सब विशेषताएं मिताक्षरा संयुक्त परिवार की हैं, जो कि असम व बंगाल को छोड़ के संपूर्ण भारत में इसमें पाई जाती हैं। अब थोड़ी सी बात हम करते हैं दाय भाग संयुक्त परिवार के बारे में। ये जिमूतवाहन द्वारा लिखा गया ग्रंथ पे आधारित है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हम देखेंगे कि सबसे पहली तो आपको पहले बता चुके हैं कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता है। पिता के जीवित रहते पुत्र संपत्ति में अधिकार की मांग नहीं कर सकता। किसमें नहीं कर सकता? जीमूतवाहन में पिता के जीवित रहते हुए पुत्र का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता, वो संपत्ति में हिस्सेदारी की कोई भी मांग नहीं कर सकता। इसमें पिता क्या संपत्ति का निरंकुश अधिकारी हो सकता है, वो संपत्ति को मनमाने तरीके से खर्च कर सकता है, उसे विनियोग कर सकता है, अपनी इच्छा से बेच सकता है। दूसरा, पिता के मरने के बाद यदि उसके पुत्र नहीं है तो उसकी संपत्ति उसकी पुत्री को या उसकी पत्नी के नाम दे दी जाती है, अर्थात महिलाओं को भी संपत्ति में इसमें अधिकार होता है। कौन से परिवार की बात कर रहे हैं? दाय भाग परिवार की हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार जैसे हमने देखा कि दाय भाग में स्त्रियों को भी संपत्ति में बराबर का उत्तराधिकारी माना जाता है, जबकि मिताक्षरा में नहीं। और अंतिम दोनों की विशेष बात हम इसमें देखेंगे कि 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा सारे देश में एक व्यवस्था लागू की गई जिसमें स्त्री और पुरुष को, बेटा और बेटी को पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार प्राप्त है। इसलिए मिताक्षरा और दाय भाग की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। संपूर्ण भारत में एक सी व्यवस्था है इसमें पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री का एक समान इसमें अधिकार रहेगा। इस प्रकार से आज हमने मिताक्षरा और दाय भाग संयुक्त परिवार में देखा। धन्यवाद।